ये होटल बुक कर लिया है, होटल अंबे पैलेस, और अंदर जा रही हूँ मैं। यहाँ का चार्ज जो है वो 1500 पर डे का है। बाकी अब जो भी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करके फिर आगे होटल रूम दिखाती हूँ आपको, मिलते हैं बाद में। देखो क्योंकि यहाँ पर सीजन का टाइम है, 1500 रुपए में उन्होंने ये रूम दिया है जिसके अंदर एक बड़ा बेड है और एक नॉर्मल बेड है। ये सारा लगेज मैंने ऐसे डाल दिया है। बाकी ये पूरी ना ऐसे बालकनी है, विंडो ही है, बल्कि ओपन विंडो है, बालकनी भी नहीं है। तो इस तरीके से ओपन करके आप सामने देख सकते हैं, ऊपर एक रूफ टॉप भी है। तो मतलब 1500 रुपए से उदयपुर में सीजन के टाइम पे होटल्स शुरू है। और भैया बता रहे थे जिनके ऑटो में आए थे, अगर अब आप ऑफ सीजन आते हैं तो 800-500 से भी शुरू हो जाते हैं फिर ये होटल्स। चलिए फ्रेश हो जाते हैं फिर बात करते हैं। तो अब फ्रेश होने के बाद गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले तो फ्रेश होने के बाद आराम से अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, और ब्रेकफास्ट करने के लिए आलू के पराठे मंगवाए हैं, पोहा मंगवाया है। आलू के पराठों के साथ आई है दही और अचार और पोहा। काफ़ी टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मैं आपको अभी इसका टेस्ट करके बताऊँगी कैसा है, और कैमरे को टर्न करके दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है। ब्रेकफास्ट दही और ये इन्होंने आलू के परांठे दिए हैं, कट कर दिए हैं बीच से, और ये पोहा है। नहीं डिफरेंट सा लग रहा है कुछ, मैंने पहली बार देखा है ऐसे नमकीन डला हुआ। ये अचार है, चलो खाकर देखते हैं कैसा है ब्रेकफास्ट। ठीक है, हाय, चलो रेडी हो गए हैं और हमारा दिन अब शुरू होने वाला है। यहाँ से हमने ऑटो वाले भैया जिनके साथ आए थे ना, उन्हीं के साथ हमने एक पूरा दिन का टूर बुक कर लिया है, जिसमें वो सारी जगह हमें घुमाएंगे, और जिसका उन्होंने हमसे 1000 रुपीज चार्ज कहा है। और अब हम आज अपनी सारी लोकेशंस पे जाने वाले हैं, रूम को टाटा बाय बाय कहते हैं और प्रोसीड करते हैं ट्रिप की तरफ। बड़े एक्साइटेड हैं हम सब, बड़े मजे आने वाले हैं। आतिफ कुछ कहना चाहते हो? ये देखो आतिफ पीछे खड़ा हुआ है। निशी दीदी कुछ कहना चाहते हो? एंजॉय। चलो चलते हैं गाइस, अब मैं आपसे गाइस फतेह सागर लेक और भैया कुछ बताने वाले हैं। क्या क्या होता है फतेह सागर लेक में भैया? बोटिंग होती है। हाँ, स्पीड बोट होती है। अच्छा ठीक है, मोती मंदिर है, महाराणा प्रताप का म्यूजियम है ऊपर, वो भी टिकट लगता है उसका भी। अच्छा अच्छा, और आगे जाएंगे तो पूरा फिश एक्वेरियम है। अच्छा ठीक है, वो देखेंगे। 27 देशों के फिश है वहाँ पर। 27 देशों के फिशेज है वहाँ पर? हाँ। वाओ, तो वो देखेंगे, उसका भी टिकट है। अच्छा ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर चीजें हैं देखने वाली उन सबके टिकट्स हैं। और उसके बाद जाएंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की जो बाड़ी है, ये नाम क्यों रखा गया सहेलियों की बाड़ी उसका? वो पहले राजा महाराजा के टाइम पे रानी की फ्रेंड साथी थी। अच्छा, सहेलियों की बाड़ी नाम रखा। अच्छा अच्छा, और उसके बाद जाएंगे फिर वैक्स म्यूजियम। कहाँ पे जाएंगे इसके बाद? वैक्स म्यूजियम। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये यहाँ की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं पूरे सिटी की? पूरे साफ सुथरी सड़कें यहाँ की, जैसे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो 75% कम्प्लीट हो चुका है, 25% हो रहे हैं, तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब अगर जैसे कोई यहाँ पे टूट फूट होती है एकदम सही करा देते हैं। हाँ, एकदम सही करा देते हैं, अर्जेंट। तो आप देख सकते हैं उदयपुर सिटी के रोड भी कितने क्लीन है, और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा। होती है ट्रैफिक पुलिस, जरूरत पड़ती है? होती है, ट्रैफिक पुलिस भी। हाँ हाँ, और इसको उदयपुर को लेक ऑफ सिटी कहते हैं। हाँ, उदयपुर को लेक ऑफ सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारी लेक्स हैं, है ना? तीन लेक है, किसी भी सिटी के अंदर एक लेक से ज्यादा लेक नहीं होती है। हाँ, अगर उदयपुर सिटी में 3 लेक है इसीलिए इसे लेक ऑफ सिटी कहते हैं। एक फतेह सागर लेक है। हाँ, एक लेक विश्वला है। हाँ, और एक सरूप सागर लेक है। एक कौन सी है? सरूप सागर लेक। सरूप सागर, अच्छा। इसमें सिर्फ होटल कुछ नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह लेक के पास में। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे साथ आज साबिर भाई हैं, जो हमें आज घुमाने वाले हैं पूरे दिन। तो मैं इनका नंबर भी आपको कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स कर दूंगी, ताकि आप लोग अब कभी उदयपुर आए तो इनको कॉल करके डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करके पूरा उदयपुर घूम सकते हैं, है ना सबीर भाई? बिल्कुल। हाँ, मैं आपको अपना चैनल भी बता दूंगी कौन सा है, आप सब्सक्राइब कर लेना फिर, है ना? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे इससे पहले भी एक मैडम भाई का नंबर है मेरे पास। हाँ। वो साउथ इंडियन। अच्छा, और गेट होते थे। अच्छा, ये है दिल्ली गेट। ये गाइस दिल्ली गेट चौराया है, पुलिस चौकी बन चुकी है। अब ये पुलिस चौकी बन चुकी है, पहले दिल्ली गेट चौराहा था। यहाँ पर क्या होता था पहले? पहले
गेट चाहिए, राजा महाराजा थे ना उसमें। अच्छा, गेट थे पहले दरवाजा था ये, यहाँ से राजा महाराजा अंदर बाहर जाते थे। अब ये पुलिस चौकी बन गई है, चेंज हो गया है यहाँ पर। चेतक थोड़ा जो महाराणा प्रताप के पास था, चेतक सर्कल बोलते हैं इसको। ये रहा चेतक। ये है स्वरूप सागर लेक, डैम बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। अच्छा, और मोटर बोट। और ये है स्पीड बोट के चार्जेस 236 रुपीज। तो स्पीड बोट करने के लिए जाने वाले अंदर, बड़े मजे आने वाले हैं। गोवा की याद आ गई मुझे तो। यहाँ से रास्ता है, चलिए सामने जाइए, सामने जाओ। तो 295 रुपीज की टिकट है और स्पीड बोट की टिकट है 295 की। और बस अब स्पीड बोट पे जाने वाले हैं और बड़े मजे आने वाले हैं। आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देखो, जिंदगी में पहली बार आते बोटिंग कर रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है। पहली बार, लेकिन पीछे का तो दिखाओ ना कैसा बच्चे का ग्रेस। छोटा छोटा होगा, ये जी आने वाला देखते जाऊं तू जाने कहां में जिंकू के जी छोटी छोटी क्यों हिला रहे हो तुम। अरे गए जी, आते ज्यादा करो। ये देखो इसकी मम्मी चिढ़ते हुए, दोनों का एक्सप्रेशन कैच करते हुए। कहा बैठू, यहाँ चलो दोस्तों। यार हम तो बैठ गए हैं बोट में,
बोट में बैठ के जो मजे आए हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। फुल पैसा वसूल। हाँ, मन कर रहा था और ज्यादा लेट बैठे रहे, वो तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। एक राउंड है पर जबरदस्त है, फुल मार्क्स। मजे आ गए, ठंड के मारे गोल गोल आंखें हो गई, लेकिन मजे आ गए। बहुत मजे आए, बाल ऐसे पूरे हवा में। चलो नेक्स्ट लगे, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। इधर सारे ढाबीज वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने की चौपाटियां बनी हुई है, कुछ खाना पीना है तो यहाँ से खा सकते हैं। फिश एक्वेरियम। अब हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है फिश एक्वेरियम, जहाँ हम जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर लेक है ये, फतेह सागर लेक। अच्छा, ये वाली जब बारिश ज्यादा होती है। अच्छा, तो इधर डाल देते हैं पानी, ये नाले में जाते हैं पानी, आगे सप्लाई होता है दूसरी जगह। और यहाँ पे अंदर जाएंगे, यहाँ पर कितने टाइप की फिशेज है? 27 राज्यों की है, कंट्री की 27 कंट्री की फिशेज है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर टिकट देखते हैं। यहाँ पर 150 रुपए का टिकट है बड़े का, और बच्चे का है 75 रुपए का टिकट। फॉरनर अडल्ट 300, फॉरनर चाइल्ड 150 रुपए। ये रही टिकट काउंटर की खिड़की, जो 8 बजे से 11 बजे तक रात के खुली रहती है। चलिए अंदर चलते हैं फिश एक्वेरियम में और मजे करते हैं।